नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू नवी मुंबई जीएस व्लॉग। दोस्तों अभी मैं ये चिरले में हूँ। चिरले मतलब नेशनल हाईवे 348 जो जेएनपीटी से निकलता है। आप देख सकते हैं एनएच 348 है ये चिरले में। यहाँ पे ये जो सीवड़ी नावा सिवा सीलिंग का रहा है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आप देख सकते हैं ये सर्विस रोड का काम यहाँ पर चल रहा है। मतलब ये एनएच 348 से गाड़ियाँ यहाँ से ये चढ़ेगी सीलिंग के लिए। ये ऐसे दोनों साइड में बन रहा है, दो दो चढ़ने और उतरने के लिए साथ चार ये सर्विस रोड यहाँ पे बन रहे हैं। ये देखिए ये फ्लाईओवर यहाँ पे बन रहा है। यहाँ से गाड़ी चढ़ेगी सीलिंग पे जाने के लिए। और वैसे ही सामने वाला जो रोड है राइट साइड का, वहाँ पे भी दो साइड बन रहा है चढ़ने और उतरने के लिए। तो आज का हमारा वीडियो है सीलिंग से, अगर मुंबई से गाड़ी आती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, तो ये सीलिंग से उतरने के बाद उनको नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाने के लिए कितना टाइम लगता है, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। पहले मैं आपको सीलिंग का काम दिखाता हूँ कितना हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए आप सामने देख सकते हैं सीवड़ी नावा सिवा सीलिंग की है। अभी चिरले में यहाँ पर एंड हो रहा है उसका। हम लोग अभी उसके नीचे से यहाँ से जा रहे हैं। ये देखिए आप सामने देख सकते हैं सीवड़ी नावा सिवा ट्रांसफर्बर सीलिंग। ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ये आप सामने देख सकते हैं ये सीलिंग आ रहा है और ये दोनों साइड आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट में ये फ्लाईओवर सर्विस रोड चढ़ने और उतरने के लिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ये जैसे ही ये रोड पे है वैसे ही वो सामने वाले रास्ते के लिए भी दो फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं सीलिंग पे चढ़ने और सीलिंग से उतरने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। ये ट्रांसफर्बर सीलिंग से अगर आप मुंबई से आते हैं तो फ्यूचर में जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है वहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ से कितना टाइम लगता है, आइए देखते हैं। हाँ ये देखिए आपको मैं लेफ़्ट साइड का भी ये सर्विस फ्लाईओवर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड से जो रास्ता आएगा सीलिंग का उसका उससे जुड़ा हुआ ये फ्लाईओवर है जो यहाँ पे ख़त्म होगा। मतलब जो मुंबई से गाड़ी आएगी वो यहीं से आगे जाएगी। तो यहाँ से आप टाइम काउंट कर सकते हैं कि कितना वक्त लगता है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा पनवेल बाईपास की तरफ। मतलब पनवेल बाईपास के बाजू में ही नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो आप वीडियो का जो टाइम चल रहा है उसको देख सकते हैं आप और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वक्त लगेगा मुंबई से अगर गाड़ी आती है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए। आइए चलते हैं। अभी दोस्तों थोड़ी देर में गवान फाटा आएगा। गवान फाटा वो सर्कल है जहाँ से आप नवी मुंबई के लिए भी जा सकते हैं आगे और जैसे ही से होते हुए आप पनवेल ओल्ड पनवेल के लिए भी जा सकते हैं। वहाँ से नीचे से भी गांव में से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रास्ता गया है लेकिन ये नेशनल हाईवे से हम लोग काउंट कर रहे हैं। ये नेशनल हाईवे 348 है जो जेएनपीटी से आता है और आगे जाता है मुंबई, नवी मुंबई, पुणे या गोवा के लिए। ये आप देख सकते हैं सामने अभी गवान फाटा आ रहा है। गवान फाटे पे भी अभी एक नया फ्लाईओवर बनाया गया है जो ये हाईवे को नवी मुंबई से जोड़ता है। ये देखिए आप लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है, लेफ़्ट साइड में भी ऐसा ही एक हाईवे बन रहा है जो नवी मुंबई पनवेल से जासई होते हुए उरण जेएनपीटी के लिए जाता है। ये देखिए आप देख सकते हैं सामने गवान फाटे का फ्लाईओवर आ रहा है। यहाँ से आप
लेफ्ट वाला जो फ्लाईओवर है वो चढ़ के आप आगे उलवे से होते हुए सीबीडी बेलापुर से नवी मुंबई या फिर मुंबई के लिए जा सकते हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड में जो फ्लाईओवर है उससे होते हुए आप आगे नवी मुंबई के लिए जा सकते हैं, ये देखिए। और वैसे ही ये दूसरा फ्लाईओवर जो लेफ्ट साइड से उतर रहे आगे, ये गवान फाटे से ये आगे पनवेल बाईपास के लिए या फिर आगे आप पलस पास से होते हुए पुना गोवा के लिए जा सकते हैं नवी मुंबई से आके, इसी फ्लाईओवर से उतर के यहाँ पे। तो हम लोग अभी ट्रांस हार्बर लिंक जो बन रहा है नया, उससे होते हुए हम लोग नवी मुंबई इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट बन रहा है उसकी तरफ जा रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है। ये मैं बिल्कुल अभी फास्ट नहीं चल रहा हूँ गाड़ी, एकदम नॉर्मल 50-60 के स्पीड में चल रही है गाड़ी ये। तो आप वीडियो का टाइम देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अभी यहाँ पुष्पक नगर सिटी बन रही है नवी मुंबई सिडको की, जैसे उलवे सिटी बनाई गई है नई अभी, वैसे ही यहाँ पे पुष्पक नगर सिटी का काम हो रहा है। ये आप राइट साइड में देख सकते हैं JWL लॉजिस्टिक यहाँ पे है। ये गाड़ियों की लाइन आप देख सकते हैं राइट साइड में, ये JWL लॉजिस्टिक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे होता है बहुत ही बड़े लेवल पे। ये हम लोग अभी गुजर रहे हैं जो फ्यूचर पुष्पक नगर सिटी बन रही है यहाँ पे, उसके यहाँ से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। ये NH 348 है, हम लोग चिल्ले से आ रहे हैं ट्रांस हार्बर लिंक से, और हम लोग अभी जा रहे हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं दोस्तों, ये JNPT से आ रहा है रास्ता, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पे ये ट्रेलर चलते हैं बड़े बड़े कंटेनर लेके, क्योंकि ये सब JNPT से निकलते हैं या फिर JNPT के लिए जाते रहते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जैसे ही ये ट्रांस हार्बर लिंक का काम हो जाएगा तो यहाँ पर गाड़ियों का ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ने वाला है। फिलहाल यहाँ पे अभी पहाड़ तोड़ने का काम चल रहा है दोनों साइड रास्ते के, तो कौरियाँ यहाँ पे बहुत लगी हुई है, तो धूल बहुत उड़ती है यहाँ पे, जो यहाँ से कौरी से जो डंपर निकलते हैं मिट्टी लेके पत्थर लेके, उनकी वजह से यहाँ काफ़ी धूल उड़ती है। तो कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक दिखेगी, जो मुंबई का पूरा जो ट्रैफिक है जो वाशी से आता है नवी मुंबई के लिए वो डाइवर्ट हो जाएगा, और ट्रांस हार्बर लिंक से बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से गुजरने लगेगी। दोस्तों मैं ये नवी मुंबई से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट चल रहे ट्रांस हार्बर लिंक है या जो भी एयरपोर्ट्स है लोकल उरण नेरुल लोकल है या और भी नए नए प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन के या जो भी है उससे रिलेटेड मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आने के लिए मेरे चैनल नवी मुंबई GS व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए हम लोग अभी पुष्पक नगर
सिटी जो फ्यूचर सिटी यहाँ पे बन रही है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एकदम नज़दीक ये पुष्पक नगर सिटी बन रही है, उसके यहाँ से हम लोग गुज़र रहे हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ पे अपने सारे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो भी मैं पोस्ट करने वाला हूँ, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये देखिए पुष्पक नगर सिटी जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ एकदम नज़दीक बन रही है, उसके यहाँ से हम लोग अभी गुज़र रहे हैं नेशनल हाईवे 348 से। और हम लोग आज देख रहे हैं कि ट्रांस हार्बर लिंक जो आ रहा है सिवड़ी नावा सिवा से, सिवड़ी से नावा सिवा तक मतलब चिरले तक, तो वहाँ से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए कितना वक्त लगता है ये हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। अभी हम लोग पनवेल बाईपास की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे लेफ्ट साइड में भी एयरपोर्ट ही है लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। एयरपोर्ट यहाँ से लेफ्ट साइड में यहाँ पे बन रहा है, तो पनवेल बाईपास से अगर आप गुज़रते हैं तो यहाँ से टी पॉइंट है, टी पॉइंट से हमको लेफ़्ट टर्न लेना है एयरपोर्ट के लिए। ये जो टी पॉइंट जो सर्कल है वहाँ से आप आगे जा सकते हैं पलसपा फाटे से पूना और गोवा के लिए, और यहाँ से हम लोग अभी लेफ़्ट लेते हैं तो हम लोग कलमबोली से होते हुए हम लोग मुंबई थाने या फिर आगे कल्याण डोंबिवली अंबरनाथ उल्लास नगर के लिए जा सकते हैं। तो देखिए अभी 12 मिनट हुए, सिर्फ 12 मिनट में हम लोग ट्रांस हार्बर लिंक से ये पनवेल बाईपास तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है ये जो फ्लाईओवर गया राइट साइड में, ये फ्लाईओवर टी पॉइंट का फ्लाईओवर है जिससे आप आगे पलसपा फाटे से होते हुए पूना और गोवा के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग आगे कलमबोली के लिए जा रहे हैं, मतलब एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग आगे नीचे से जा रहे हैं और यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। सिर्फ 12 मिनट में हम लोग चिरले से यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब अगर आप ट्रांस हार्बर लिंक से उतरते हो नीचे तो सिर्फ 12 मिनट में ये टी पॉइंट तक आ सकते हैं पनवेल बाईपास तक। ये देखिए गाड़ियाँ जो जा रही है लेफ़्ट में, ये लेफ़्ट साइड से आप अभी एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में यहाँ पे एयरपोर्ट का काम चल रहा है। सिर्फ ये एक ही एंट्री नहीं रहेगी, और भी बहुत सारी एंट्री रहेगी, शायद उलवे से भी एक एंट्री दी जाएगी एयरपोर्ट के लिए, लेकिन फ़िलहाल मैं जैसे भी ये अपडेट्स मिलेंगे एयरपोर्ट से रिलेटेड मैं डालता रहूँगा वीडियोस। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ट्रांस हार्बर लिंक से आएंगे मुंबई से, तो ट्रांस हार्बर लिंक से हम लोग जैसे ही उतरते हैं चिरले में, जैसे ही हम लोग ट्रांस हार्बर लिंक से उतरते हैं तो वहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग कितने देर में पहुँच सकते हैं ये हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं 13 मिनट हुए, 13 मिनट में हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट के करीब पनवेल बाईपास पे। तो यहाँ से हमें नीचे उतरना है अभी एयरपोर्ट के लिए, तो चलते हैं। दोस्तों ये पनवेल बाईपास है, यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो आप कलमबोली सर्कल के लिए जा सकते हैं, वहाँ से आप आगे मुंबई नवी मुंबई या फिर थाना कल्याण डोंबिवली के लिए जा सकते हैं। ये देखिए लेफ़्ट साइड में नीचे से सर्विस रोड यहाँ पे जुड़ रहा है, तो हमको यहाँ से यू टर्न लेके नीचे उतरना है एयरपोर्ट के लिए।
ये देखिए हम लोग अभी यहाँ से सीधा वापस नीचे जा रहे हैं। मतलब अगर आप वीडियो का टाइम देखें तो सिर्फ 15 मिनट में आप लोग ट्रांस अर्बन लिंक से उतरने के बाद नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पहुंच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल नवी मुंबई जीएस व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए दोस्तों हम लोग अभी फ्लाईओवर के टी पॉइंट के नीचे यहाँ पहुँच चुके हैं पनवेल बाईपास के, और राइट साइड में यहाँ पे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये देखिए सामने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम यहाँ पे चल रहा है। मतलब आज के वीडियो में हमने देखा कि हम लोग ट्रांस अर्बन लिंक से मुंबई से आते तो यहाँ चिरले में उतरने के बाद सिर्फ 15 या 16 मिनट में ये एयरपोर्ट तक हम लोग पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।